हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बरी। बरी बनाने के लिए हमने 500 ml दूध लिया है, मिल्क, और 100 ग्राम शुगर ली है, छोटी इलायची हाफ टी स्पून, और ये खीरा लिया है हमने, भैंस का लिया है हमने, पहले दिन का लिया है, 600 ml तक लिया है, और ये भगोना लिया है, पानी उसमें रखा है, और ये डब्बा रखा है। और दूध को पहले उबाल लेंगे, उबला हुआ दूध लेना है, और उसमें हम शुगर डाल देंगे, और शुगर पिघल जाए तब तक उसे मिक्स करेंगे। ये हमारा हो गया है। अब ये हम शुगर को पिघला देंगे, उसमें पूरी गल जानी चाहिए, अभी नहीं गली है, उसे मिक्स करते रहना है और पूरी गल जानी चाहिए। और ये गाढ़ा है हमारा खीरा, इसलिए हमने दूध ज़्यादा लिया है। पहले भी हमने बना के दिखाई है, वीडियो अपलोड किया है उसका, मगर उसमें 100 ml तक दूध डाला था, इसमें हमने आधा लीटर दूध डाला है। और ये ताज़ा अमूल का है, हमने डाला है, गोल्ड नहीं डालना है। और ये खीरा लिया है हमने आधा लीटर, ये गाढ़ा है, पहले दिन का है, इसलिए जितना हमने दूध लिया है उतना ही हमने खीरा लिया है, 600 ml लिया है, क्योंकि उसमें शुगर हमने 100 ग्राम डाली है। अब ये मिक्स करके अच्छे से, और इसमें स्टील के डब्बे में हम डाल देंगे और बड़े से भगोने में रखेंगे। 10 मिनट में ये बन जाती है। अब छोटी इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और 10 मिनट के लिए ढककर पहले ऊपर से नेपकिन डाल देंगे, कोई भी अच्छा सा, और ऊपर से डिश रख देंगे, ताकि इसमें जो से जो पसीना निकलता है वो इसमें नेपकिन में चला जाए, इसमें जो कपड़ा रखेंगे उसमें चला जाए, ऐसे ढक कर रखना है। बाफ जो निकलती है, ये 10 मिनट में बन जाएगा, ये हमारे बन गया है, ये चक्कू डाल के देख लेंगे, अगर नहीं लगता है तो वो बन चुकी है, ये हमारी बन चुकी है। अब ढक कर इसे इसमें ठंडा होने के लिए रख देंगे, ये 4-5 घंटे लगेंगे इसको ठंडा होने में, बन तो 10 मिनट में जाती है, अगर ठंडा होने में इसे 3-4 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद फ्रिज में रखेंगे 3-4 घंटे के लिए। ये अब ठंडी हो गई है हमारी, हमने 12 बजे बनाई थी, और ये शाम को हम 6 बजे अब रख रहे हैं फ्रिज में, और फ्रिज में 3-4 घंटे रखेंगे तो ठंडी हो जाएगी, और ये हमारी बन चुकी है, अब खाने के लिए तैयार है। पीसीस करके बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। ये खीरा जो है वो भैंस या गाय के डिलीवरी के बाद पहले दिन मिलता है, वो होता है, बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी इतना ही होता है। अगर खीरा ज़्यादा गाढ़ा हो तो इससे भी ज़्यादा दूध उसमें डलता है, कम खीरा डलता है और ज़्यादा दूध डलता है, तभी अच्छी और सॉफ्ट बरी बनती है।